विदेश तो मंदभागी खबर सामने आई है, जिथे पंजाबी नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। मनीला दे शहर फिलीपींस दे विच फाइनेंसर गुरदेव सिंह का गोलियां मार के अणपछात्या ने कत्ल किया है, जो कि पंजाब के जिला लुधियाना के शहर खन्ना का रहने वाला दसिया जा रहा है। जदों गुरदेव सिंह दे कत्ल की खबर पंजाब बैठे परिवार तक पहुंची तो परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया अते इलाके दे विच इस समय सोग दी लहर है। मृतक गुरदेव सिंह व्याया होया सी, जो कि अपने पिछे अपनी पत्नी एक पुत्र अते दो धियां नूं छड्ड गया। परिवारक मैंबरां अते पिंड वासियां ने इस दुख की घड़ी दे विच पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं सारी घटना बयान कीती अते की कुछ कहिंदे होए नजर आए ने, आओ तुहानूं सुणाउने आं। मामला जी बहुत माड़ा होया। मेरे भरा सीगे संडू साहब, मेरे ख्याल से ये 2 साल हो गए गया नूं, इन्हां नूं बेटा पहला गया सीगा, बाद च गए ने ते उत्थे किसी ने गोली मारती इन्हां दे। ये वाकया अज 4 बजे दा ही। हाँ जी, किन्ने सालां तों उत्थे उत्थे 2 सालों तो गए हुए सीगे जी। पता लगी गोली जी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते है कि ने मारी है, हजे कुछ पता नहीं लग रहा है। काम जी उधर एक ही काम आ, बस फाइनेंस का ही काम है। उधर सारे जिहड़े भी पंजाबी जाते हैं फाइनेंस का ही काम करते हैं उधर जाके। ये फिलीपीन मनीला च ने, परिवार च जी एक इन्हों का बेटा है, 2 बेटियां ने, पत्नी है, बहू है। बस बॉडी सरकार मदद करे, सरकार मदद करे बॉडी लिया दे, बॉडी इतने आवे। माड़े भागा नूं लोग माड़े कर्मां नूं जांदे ने जी, इतों बाहर देश अपने बच्चों का भविख बनाने वास्ते उधर जां हार्ट अटैक हो जाता जां गोली का शिकार हो जाते हैं, इधर नालों भी जाते रहते हैं जी। बेनती है सरकार अगे भी बॉडी लिया दे मदद की जाए। देखो इस इलाके दे कौंसलर पति होने नाते जो मैं पता लगे साढ़े महल के सा गुरदेव सिंह जी, जो कि बाहले मुल्क फिलपाइन मनीला विखे गए ने कारोबार के सिलसिले, तो जब सानू पता लगे इतने इन्हों के घर आए चीख चिंगाड़ा पिया, पता लगे उन्हों का उत्थे गोली मार के कहते कतल कर दिता गया। सो जब असं आके घर देखा तो वाकई बड़ी दर्दनाक घटना हुई है बाहले मुल्क। सो बेनती करते हैं सरकार नूं ते विदेश मंत्रालय नूं कि उन्हां दी जो पार्थिव शरीर है डेड बॉडी है उन्हों लियाण च सरकार मदद करे, क्योंकि आखिरी ख्वाहिश होंदी है भी जिहड़े बंदे दी डैथ हो जाती है भी उहदे पार्थिव शरीर के दर्शन परिवार वाले कर सकन, क्योंकि बहुत कहिंदे मुश्किल सिलसिला हुंदा है। विदेश मंत्रालय की इहदे च जरूरत भी है, उन्हां दी मंजूरियां लोड़ पैणगियां। सो मैं बेनती करांगा सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं, ते नाल ही मैं बेनती करांगा सेंटर सरकार नूं भी जो फॉर्मैलिटी है जो भी इन्हां दी परिवार की मदद की जाए ताकि ये अपने परिवार के जो अंतिम दर्शन कर सकन। हाँ जी, कहिंदे कारोबार के सिलसिले से बाहर उत्थे गया, क्योंकि अजकल जिहड़ा कोई बाहर जाता अगला देखो कारोबार सिलसिले च ही जाते, जिन्हें भी आपां बाहर आपां पंजाब छड्ड के जो दौड़ लगी है, होड़ लगी है पंजाब नूं छड्ड के जाण दी, वो सानूं सारयां नूं पता भी उम्र पता है कुछ किन्नी होगी उम्र मेरे, क्योंकि देखो बहुत साढ़े बहुत सत्कार जो साहब गुरदेव सिंह मैं बचपन तो ही जानता, तो महल्ले पुराने वसनीक ने नंसी एवन्यू पिछले 25-30 सालों तो इतने रेंदे ने, ते मेरे ख्याल उम्र भी उन्होंने 50-55 के गेट 55 साल की उम्र उन्होंने उम्र हैगी। फिलहाल कतल क्यों किया गया, कातल कौन ने, इस बारे हाले तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, पर पंजाबी नौजवान गुरदेव सिंह का मनीला दे विच जो कतल किया गया ये बेहद माड़ी गल है। जांच तो बाद ही कुछ पता चल सकता है कि आखिरकार इस वारदात नूं क्यों अंजाम दिता गया। तो जिस तरीके दे नाल विदेश दे विच पंजाबियों दे कतल हो रहे ने, ये चिंता का सब तो वड्डा विशा बनता जा रहा है, क्योंकि पंजाबी अपने वधिया भविख दे लई विदेशों का रुख कर रहे ने अते उत्थे उहनां दे नाल अजिहियां घटनावां वापर रहियां ने। स्काई न्यूज़ पंजाब दे लई खन्ना तो परमिंदर वर्मा की रिपोर्ट।